हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग चित्रांत में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ सीएम हाउस भूपेश बघेल के हाउस में पदुम नगर जहाँ है वही बगल में एक कार सेकंड हैंड कार है, यहाँ कुछ गाड़ियाँ हैं। ये शॉप का नाम है साई ऑटो सेल, साथ ही सर्विसिंग भी होता है। तो आपको यहाँ कुछ कुछ गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं और वो भी कौन से मॉडल की है, किस रेंज में गाड़ी है, यहाँ फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं है, सभी डिटेल यहाँ ओनर से लेंगे तो भैया से भी बात करेंगे। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, आप उसे क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए। जी चलो दोस्तों, देखते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी कौन कौन सी है, ओनर से बात करते हैं। तो भैया ये शॉप कब से आपकी? मेरी हो गई है 6 साल हो गई शॉप को। शॉप का नाम क्या? साई ऑटो सेल्स एंड सर्विस। और आपका नाम? विकास अग्रवाल। विकास अग्रवाल। और ये एड्रेस क्या है? भिलाई थ्री चरोदा। लैंडमार्क जैसे कि आसपास? पदुम नगर ये लैंडमार्क है, जी रोड, IDBI बैंक के सामने। IDBI। अच्छा, ये जो सीएम हाउस है उसके पास? हाँ, सीएम हाउस के पास। तो आपके पास कौन कौन सी गाड़ी कलेक्शन है? मेरे पास अभी कलेक्शन में जैसे आप देख सकते हैं ये i20 है। हाँ। i20 स्पोर्ट्स है, पेट्रोल 2017 मॉडल। 2017 मॉडल। हाँ, 2017 मॉडल है। इसमें फीचर्स में सेंट्रल लॉकिंग दिया हुआ है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, स्टेयरिंग कंट्रोल म्यूजिक सिस्टम एडजस्टर दिया हुआ है, फॉग लैंप्स दिए हुए हैं और एकदम अनटच गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है। जो भी कस्टमर इसको लेगा, इसमें वारंटी है 6 महीने की। अच्छा, और ये गाड़ी कहाँ की है? ये गाड़ी रायपुर की है, रायपुर पासिंग जी। इसका प्राइस क्या रखे? इसका प्राइस है 550। इंश्योरेंस अवेलेबल? हाँ, नया गाड़ी ये है 8.5 लाख रुपए का। अच्छा, 3 साल पुरानी गाड़ी है। हाँ। ये आपको समझ लो बहुत ही वैल्यूएबल प्राइस में मिल रही है। अच्छा। अभी जो न्यू i20 आई है ये कम से कम 9 लाख रुपए की है। हाँ, वो तो है, हमने देखा है। हाँ। गाड़ी ये रायपुर की पासिंग है, इंश्योरेंस अवेलेबल है, पेपर वर्क वगैरह? पेपर वर्क सब कंप्लीट करके देंगे, इंश्योरेंस वैलिड है, ऑन पॉलिसी इंश्योरेंस है, पूरी कंप्लीट है, पेपर वर्क है ना। तो चलो गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भी देख लेते हैं। देखिए गाड़ी का कंडीशन तो पूरा ओके है, टायर वगैरह भी न्यू है पूरा। इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर देखिए, ये कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। हाँ। और ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल यानी स्टीयरिंग से हाँ। कंट्रोल करना म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। ये अच्छे फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं ऑटो फोल्डिंग मिरर दिया हुआ है। हाँ। पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है, एसी है। अच्छा। सीट कवर्स भी लेदर के, ऑटो फॉर्म के सीट्स, ऑटो फॉर्म के ना, ओरिजिनल सीट कवर्स लगे हुए हैं, मैटिंग्स लगी हुई है। यानी आपको कुछ खर्चा नहीं करना, सिर्फ लेना और चलाना, सिर्फ यहाँ आना है जो लेना है और अच्छा। चलाना है। जैसे कि गाड़ियाँ भैया ने बताया सभी कंप्लीट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, नाम ट्रांसफर वगैरह सभी कंप्लीट करके देंगे। तो चलो इसके बाद सेकंड कौन सी गाड़ी है? स्कोडा। ये स्कोडा की रैपिड है, 2012 की रैपिड है। ये एकदम नॉमिनल प्राइस में है मेरे पास, 2.5 लाख रुपए में। 2.5 लाख ओनली, 2.5 लाख रुपए में। इसमें सारे टॉप फीचर्स दिए हुए हैं, फॉग लैंप है इसमें भी। हाँ। आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, सीट कवर। ओनर फर्स्ट ओनर। हाँ, ओनली सिर्फ कितना बोले आप? 2.5 लाख रुपए ओनली, 250। एकदम मॉडल कौन सा बताए भैया? ये 2012 का मॉडल है। 12 का। और गाड़ी तो सर रायपुर की गाड़ी है। तो एक बार गाड़ी का अंदर का भी इंटीरियर देखते हैं। टायर वगैरह भी देख लेते हैं। टायर भी एकदम 100% कंडीशन में। अच्छा, वेल मेंटेन। आप देख सकते हैं सीट कवर्स देख लेते हैं। एयरबैग्स है इसमें। एयरबैग्स है ना? एयरबैग्स है इसमें। म्यूजिक वगैरह सभी ऑन? सब ऑन है ना? अगर नहीं भी होंगे तो हम लोग ऑन। अच्छा, ऑन करके दो। गाड़ी तो हमने लगभग देख ही लिया, पीछे का भी एक बार देख लेते हैं। चलो इसके बाद है सेकंड गाड़ियां देखते हैं। ये गाड़ी कौन? सेंट्रो। ये 2019 की सेंट्रो है। अच्छा, एकदम रिसेंट, साल भर पुरानी गाड़ी है। 5000 किलोमीटर बस चली हुई है, ओनली 5000 किलोमीटर चली हुई है।
और ये गाड़ी में फीचर्स तो स्पोर्ट्स मॉडल है, अंदर में कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, इसमें भी आपको DRL लाइट्स वगैरह दिए हुए हैं, अंदर सीट कवर्स भी ऑटो फॉर्म का ओरिजिनल सीट कवर लगा हुआ है इसमें भी। ये गाड़ी दूर की अनटच गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, यानी इंश्योरेंस पूरा 3 साल वैलिड है अभी। 3 साल वैलिड है? हाँ वैलिड है, कुछ नहीं करना, ओनली 4 लैक्स। 4 लैक्स? हाँ, नई गाड़ी 6 लाख रुपए की है ये। गाड़ी का देखते हैं, इंश्योरेंस अवेलेबल है पूरा? अवेलेबल 3 साल। 3 साल पूरे? अच्छा, तो चलो गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। टायर भी पूरा टापो टाप टायर दिख रहा है। गाड़ी का अंदर का देखते हैं, कलेक्शन म्यूजिक सिस्टम पूरा ऑन है, लेदर की सीट है भैया, इसमें एयरबैग्स? एयरबैग्स है ना। ओनली 5000 किलोमीटर। पीछे का भी देख लेते हैं, ये देखिए टापो टाप है गाड़ी। CG07 की गाड़ी है और यहाँ आपको भैया के शॉप में तो लगभग सभी गाड़ी मेरे को अच्छी कंडीशन में लग रही है। आपको पैसा लेके आना है और यहाँ टापो टाप गाड़ी यहाँ से ले जाना है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर भैया का मिल जाएगा, साथ ही एड्रेस वगैरह CM हाउस के जस्ट बगल में है। तो चलो आपको अब सेकंड गाड़ी है, सेंट्रो है ये भी सेंट्रो है, ये 2011 की है, ये कम बजट की गाड़ी है मगर एकदम वेल मेंटेन्ड है, ऑफिसर की गाड़ी है ये। इंजीनियर की गाड़ी है, एकदम वेल मेंटेन फ्रेश गाड़ी, अनटच गाड़ी है, कहीं से स्क्रैच नहीं कुछ नहीं। हाँ। ये ओनली 1.5 लाख रुपए की है। ओनर फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इंश्योरेंस 2021 11वें महीने तक वैलिड है। कितना चला हुआ है गाड़ी? 65000। ओनली 65000। रायपुर के से? हाँ। इसका भी इंटीरियर देखते हैं। टायर तो एकदम टॉपो टॉप न्यू कंडीशन में लग रहा है टायर। इसमें फीचर्स क्या है भैया? फीचर्स पावर विंडो, कॉल स्क्रीन, एसी, एक्स, म्यूजिक सिस्टम ऑन है? सब सारे चीज ऑन है। सच्चा सभी ऑन है। सीट कवर भी इसमें एकदम ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, यानी गाड़ी लेने के बाद इसमें भी कुछ खर्चा करने अच्छा खर्चा करने की जरूरत नहीं चलाना है। अच्छा, पीछे का भी एक बार देखते हैं, टायर आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए टायर, CG04 रायपुर की गाड़ी है। तो चलो इसके बाद सेकंड गाड़ियां देखते अच्छा, हैं। तो ये गाड़ी इको कौन सी मॉडल है? ये 2018 की इको है। हाँ। एकदम वेल मेंटेन गाड़ी है, गाड़ी ओनली 40000 किलोमीटर चली हुई है, सिर्फ 40000 चली, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसमें भी इंश्योरेंस एड ऑन पॉलिसी वैलिड है। ये ओनली 350 की है, ये 350 गाड़ी भिलाई की है, गाड़ी भिलाई की है। हाँ, भिलाई पासिंग गाड़ी है, आप देख सकते हैं। चलो इंटीरियर देखते हैं। 60-70% टायर के पोजीशंस हैं और अंदर एसी गाड़ी है ये। एसी गाड़ी में दो क्वालिटी आती है, एक एसी होती है, एक नॉन एसी, ये एसी वाली है। एसी वाली। हाँ, इंटीरियर देखते हैं, आप इंटीरियर देखिए। इसमें फीचर्स क्या है? फीचर्स इसमें ओनली एसी और नॉन एसी, यही फीचर्स आते हैं, यही फीचर्स आते हैं इको में। बाकी कंडीशन वेल मेंटेन्ड है, किसी को अपने बिजनेस पर्पस के लिए, कोई स्कूल के लिए, कोई एम्बुलेंस के लिए इको का यूज करता है। कार आता है तो उसका ऊंचा ऊंचे वर्जन है, एसी वाला वर्जन है ये, और थोड़ा सा हाइट ऊंचा कर दिया है। इसका टायर का भी देख लेते हैं एक बार। टायर का गाड़ी कहाँ की बोले भैया? ये भिलाई की गाड़ी है भैया, भिलाई की गाड़ी। स्पेशियस गाड़ी है, बहुत स्पेस अच्छा है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी कौन सी है? ये जैन स्टीलो है, 2010 की है, कम बजट की गाड़ी है ये, 125 की ओनली। हाँ, ये कम बजट न्यू यूजर्स हैं जिनको सीखना है गाड़ी। हाँ। जो लेके थोड़ा सीखते हैं, हाथ फ्री करते हैं, फिर उसके बाद नया गाड़ी लेते हैं, उनके लिए अच्छा है। कौन सा ये? सबसे अच्छी बात है कि इस गाड़ी में 1 लाख रुपए फाइनेंस भी हो जाएगा। हाँ, ओनली 20000 DP दो और गाड़ी ले जाओ। हाँ, बाकी EMI है 3000 रुपीज की EMI पे करते रहो, सबसे अच्छी चीज ये। ओनर कौन सा? ओनर इसका फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है। मेरे पास जितनी गाड़ियां हैं सब फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। गाड़ी तो दुर्ग की है? हाँ, दुर्ग की है, दुर्ग पासिंग है। अच्छा। और गाड़ी का इंटीरियर आप देख लीजिए। इंटीरियर देखते हैं, इसमें कुछ फीचर्स? फीचर्स पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, जो नॉर्मल फीचर, जो नॉर्मल फीचर रहता है। पावर स्टीयरिंग है, एसी वगैरह, म्यूजिक सिस्टम सभी ऑन है? एसी है, म्यूजिक सिस्टम ऑन है, पावर विंडो है। अच्छा, पावर विंडो है, टू डोर पावर विंडो है इस गाड़ी में। अच्छा, टू डोर पावर, नॉर्मल टॉवल सीट कवर्स लगे हुए हैं। हाँ।
कितना किलोमीटर चला हुआ है भैया? ये 68,000 ना। तो गाड़ी का टायर देखते हैं एक बार, ये देखिए टायर कंडीशन, थोड़ी धूल लगी हुई है, बाकी गाड़ी कंडीशन पूरा ओके है। इसके बाद सेकंड वैगन आर, ये वैगन आर कौन सी मॉडल? वैगन आर 2011 की है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा। इसमें भी फीचर्स, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, ये सब लगे हुए हैं और फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये भी। हाँ, ये कांकेर की है, कांकेर पासिंग, कांकेर दंतेवाड़ा पासिंग है। अच्छा अच्छा, दंतेवाड़ा पासिंग है, कस्टमर कांकेर का है। ओनर? ओनर फर्स्ट ओनर, फर्स्ट एनी ओनर, ये भी सारे फर्स्ट ओनर। इसका प्राइस क्या है? ये प्राइस आएगा भैया इसका 190 नेगोशिएबल है। 190 में भी नेगोशिएट हो जाएगा मेरे यहाँ। तो गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, गाड़ी का इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं। टायर तो पूरा न्यू में है, इसमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, ये एसी है, पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, बाकी पावर विंडो आप देख सकते हैं, पावर विंडो है, एडजस्टेबल है, हाँ हाँ, एडजस्टेबल मिरर है, और बाकी ओरिजिनल सीट कवर वगैरह, कवर वगैरह ओरिजिनल है, मैटिंग्स नॉर्मल, 3D मैटिंग्स लगे हुए हैं। अच्छा, नॉर्मल, थोड़ा सा गंदा है, हाँ, थोड़ा सा धूल धक्कड़ है इधर, ट्रायल लेने आते हैं तो पैर वैर रख देते हैं तो गंदा है। इसका टायर पीछे का भी देख लेते हैं कंडीशन, बाकी भैया ने जैसे बताया कंडीशन पूरा ओके है, लगभग सभी गाड़ी ओनर फर्स्ट ओनर है, और ये गाड़ी कांकेर पासिंग दंतेवाड़ा है। इसके बाद एक और गाड़ी है i10, वो वाली देख लेते हैं। ये i10 कौन सी मॉडल? ये i10 2010 की है भैया, 180 की है ये गाड़ी, 180, हाँ 180 की है, रायपुर पासिंग गाड़ी है, मैग्ना मॉडल है ये, बहुत अच्छी गाड़ी है, वेल मेंटेन है, थोड़े से स्क्रैचेज हैं इस गाड़ी में उस साइड, मगर वो नॉमिनल है, ओरिजिनल पेंट में है करके मैंने उन स्क्रैचेस को दूर नहीं किया, हल्के से स्क्रैचेस हैं, माइनर है, बाकी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डॉक्टर की गाड़ी है, डॉक्टर ने चलाया हुआ है। हाँ, तो आप देख सकते हैं इंटीरियर वगैरह, फीचर्स, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, फॉग लैंप्स सब लगे हुए हैं। मैग्ना मॉडल में जो फीचर्स आते हैं, ये प्राइस अप्रोक्स आएगी 180 के आसपास, नेगोशिएबल है, अच्छे रेंज में है गाड़ी। इंटीरियर देख लेते हैं, तो टायर देख लेते हैं, टायर तो पूरा न्यू है, अंदर का इंटीरियर देखते हैं क्या है इसमें। पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, एसी है, हाँ। म्यूजिक सिस्टम है। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम भी ऊंचा लगा हुआ है सोनी का। सीट कवर्स भी आपके सामने दिख रहे हैं, देखिए पूरी सीट कवर्स एकदम अच्छे कुशंस वाले सीट कवर्स हैं इसमें। कितना किलोमीटर चला होगा गाड़ी? ये चल गई है भैया लगभग 71,000 71,000 बाकी गाड़ी एकदम वेल मेंटेन्ड है, 71,000 में कुछ भी नहीं हुआ इस गाड़ी को, वेल मेंटेन्ड है। अच्छा, बताया नीचे नीचे के, हाँ, हाँ। वो स्क्रैचेस हैं मगर वो जेन्युइन है, स्क्रैचेस करके मैंने उसको दूर नहीं किया। अच्छा, वो अगर कोई कस्टमर बोलता है तो हम लोग उसको काम को करवा के भी दे देते हैं। तो लगभग हमने सभी गाड़ियां देख ली हैं, तो कुछ पीछे और गाड़ियां बोल रहे हैं भैया, उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हमने जैसे कि भैया ने बताया बहुत सारी गाड़ियां उनके पास पीछे कलेक्शन और भी है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हमने सभी गाड़ियां देख ली हैं, जो भी गाड़ियां आपको अच्छी लगी होगी तो भैया को डायरेक्ट कॉल कीजिए, और डायरेक्ट कॉल करके आप यहाँ आके अच्छे से देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर का हमने इंटीरियर वगैरह सभी दिखाई दिया है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, साथ इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि भैया के शॉप का भी प्रचार हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।